एवरीवन, वेलकम टू करियर क्वेस्ट। होपफुली तो सारे वधिया होवोगे ते बहुत अच्छे तरीके दे नाल अपने एग्जाम दी प्रिपरेशन कर रहे होवोगे। सो जिवें हुण रीसेंटली तुहाडा पंजाब पटवारी दा एग्जाम होके हटिया है, जो कि कहने को बहुत ज़्यादा ईजी सी। हर बच्चे ने पेपर तो बाहर निकल के यही गल कही है, बच्चों के चेहरिया के उत्ते खुशी यह दसदी सी कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी सी। नाउ बच्चे एक कंफ्यूजन दे विच ने कि अगर पेपर इन्ना ज़्यादा ईजी सी तो उसकी कट ऑफ किन्नी ही जाएगी, मेनली की है कट ऑफ किन्नी जाएगी। सो अज की जो वीडियो रहेगी, फर्स्टली आप पेपर को डिस्कस करांगे, ठीक है जी। तो एक गलबात करांगे आप कट ऑफ दे रिगार्डिंग, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही जिन्हें भी इंस्टीट्यूट्स ने सारे ही गलबात कर रहे हैं कि किन्नी ही कट ऑफ जा सकती है पंजाब के पटवारी के एग्जाम। सो अगर आप कट ऑफ की गल करिए तो मैं जिन्हें दस कि सारे ही कहते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी से। अगर बहुत ज़्यादा ईजी से तो आप कही फिर कि 90+ कट ऑफ जाएगी। देखो ऐसा कुछ नहीं होंगे, ठीक है। दो तो चार क्वेश्चन, चार तो पांच क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं कट ऑफ को, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप गल करिए 100 के विच अगर 90 क्वेश्चन भी ईजी से तो 10 क्वेश्चन वो सी जेडे टफ से। टफ भी नहीं कह सकते कि कह सकते हैं कि हाँ कुछ है सी पेपर के, ठीक है। तो उ 10 क्वेश्चन ने जो डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ द की ही बनेगा, ठीक है। इस तो इलावा होर भी कई चीज़ा मैटर कर दी ने, लाइक कई बार अपने आप पेपर को ईजी देख के भी दो चार गलतियां वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। या फिर सब डिस्टर्बेंस हुई जिस करके असी OMR शीट भरते भरते कोई होर फिल करता है ना। सो एवें दी गलतियां करते करते आप 3 से 4 क्वेश्चन हाड़ी आप की कर लें, गलत कर ही देते हैं। बेशक पेपर बहुत ज़्यादा ईजी हो गए हूँ, भी कुछ बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड तो बहुत अच्छी तैयारी होएगी, हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा भी हो, ठीक है। सो ये नहीं आप कह सकते फिर उस सारे नहीं इंक्लूड कर सकते कि सारे 710 सीटा की ही कट ऑफ इन्नी ही जाएगी। सो अगर आप वैसे आइडिया लगा के देखा जाए साडे इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जिवें असीं डिस्कशन की कि कट ऑफ की ही जा सकती है, तो उस आइडिया के अकॉर्डिंग जो मैं गल करा तो कट ऑफ अपनी रह सकती है 82 to 85, ठीक है जी। अगर आप गल करिए कि कट ऑफ किन्नी रह सकती है, अगर पूरा सारे दी सारिया प्रॉपर्टीज नू देखते हुए की हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितना ईजी सी, जा कुछ गलतियां बच्चे कर सकते सी कि नहीं कर सकते सी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कट ऑफ की गल करिए तो कट ऑफ अपनी जनरल की गल करिए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की गल करिए कि उससे कट ऑफ किन्नी जा सकती है। अगर आईडी के अकॉर्डिंग देखिए तो 82 to 85 जा सकती है। अगर आप करिए कि 90 चले जाएगी तो 710 पोस्टा 90 नंबर के अबव वाले ही चक के ले लेंगे, ऐसा नहीं होएगा। हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ा मैटर कर, कई बार आप OMR शीट भरते हुए गलती कर जाते हैं, या फिर समटाइम आप पिछों अगो डिस्टर्बेंस हो जाती है, या फिर सारा माइंड ही स्टक कर जाता है किसी क्वेश्चन के उत्ते, तो हो जाता है कि 3 से 4 क्वेश्चन बच्चे के गलत ही हो जाते हैं। सो उस बेसिस के उत्ते आप गल करते हैं कि कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 82 to 85 तक की कर जा सकती है, ठीक है, 85 तक जा सकती है। सो घट तो होने बहुत घट चांस है, उत्ते 1-2 नंबर उत्ते हो सकता है, बट इसको नीचे नहीं जाए, ठीक है जी। सो नाउ डिस्कस करते हैं पेपर के विच की पूछा गया कि जिस पेपर को इन्ना ज़्यादा ईजी दसिया जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सी कि वेयर डिड गांधी जी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम, कहते गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कितने किया सी। अगर तो किसी बच्चे ने थ्योरी नहीं सी पढ़ी, ठीक है, जस्ट एमसीक्यू किए थे, वो किते ना किते क्वेश्चन इंडिया भी ला के आ सकता है, या इस करके इंडिया ला सकता है, या फिर काली दे विच बंदा इन्ना एक्साइटेड हो जाता है कि एक पेपर ये तो यार क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, तो उस समय इंडिया लगा सकता है। बट इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि गांधी जी 1893 दे विच चले गए सी साउथ अफ्रीका, ते उत्थे इंडियंस दे राइट्स दे लई उन्होंने स्टार्ट किया सी पहला सत्याग्रह, किथे साउथ अफ्रीका दे विच स्टार्ट किया सी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश वाज अ मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस। फिर तो मॉडर्न हिस्ट्री दे 2 क्वेश्चन हो गए मॉडर्न हिस्ट्री दे। सेकंड क्वेश्चन की है कि मॉडरेट लीडर कौन सी कांग्रेस का। देखो कांग्रेस दे मॉडरेट ते एक्सट्रीमिस्ट लीडर तो आप पढ़ते ही जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस का टाइम पीरियड 1885 to 1905 तक जिन्ना टाइम पीरियड रहा
मॉडर्न का हूं तक 1905 तक आपा गोपाल कृष्ण नु पढ़े है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੈਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ 84% ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਸ ਕੋਈ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਡੀ 78% ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 78% ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਸਟਰਡ ਆਇਲ, ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕ੍ਰੂਡ ਆਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀ ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਗਾਈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਈਟਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਲਟ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟੱਪ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਟੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਆ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਜੀ ਫਾਰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਸ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਆ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜੀਐਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੈ ਜੀ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਸਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਰੰਟ ਟੈਬ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਬਾਰਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਏ ਆਰ ਡੀ ਬਾਰਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸਨੇ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਟ ਜੋ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਏ ਆਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਆਥਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਵੰਤ ਗਰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨੋਰਮਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਸ ਐਸ ਵੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਸਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਸਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਐਸ ਵੰਜਾਰਾ ਬੇਦੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 59th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ।
नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन सी कि इंटरनेशनल योगा डे किधर मनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो सोचने विचारने की लोड़ नहीं सी, चुप करके आंसर लगा देना सी ऑप्शन सी कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, देखो एक ही मंथ के बीच दो डे पूछ लिए उन्होंने, पहला पूछ लिया इंटरनेशनल योगा डे के बाद जो पूछ लिया एनवायरनमेंट डे, तो ये भी क्वेश्चन इजी से 5th ऑफ जून इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तो करंट अफेयर के बीच पूछा गया, की पूछा गया था रिसेंटली न्यूज़ सी, बहुत इजी क्वेश्चन सी, कहते व्हिच इंडियन हैज बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन टू लीड द वर्ल्ड बैंक। कहते जॉय बाइडेन ने किस नु नॉमिनेट किया वर्ल्ड बैंक का लीड करने के लिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन सी, बंगा बंगा सी, अजय बंगा इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62nd क्वेश्चन आंसर की है जी अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये तो अपन करूंगा पता है कि 2024 दिया ओलंपिक्स पंजाबी यूनिवर्सिटी के विच बड़ा बड़ा लगया हुआ है ग्राउंड के विच, के 2024 दिया जो ओलंपिक्स ने वो किथे होनगियां, वो होनगियां जी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वो होनगियां साडे पेरिस के विच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, कहते सुनील छेत्री ये वही बंदा है जिन्हें सब तो ज्यादा गोल किए थे करंट अफेयर के विच रहा सी, स्टैटिक ना रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि सुनील छेत्री कौन है, तो सुनील छेत्री हैगा साडा फुटबॉल दे नाल लिंक बंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बहुत इजी सी, वडाली ब्रदर्स जेडे भी पंजाब तो बिलोंग करदे सब ने सुनया कि वडाली ब्रदर्स कौन ने। ठीक है जी, पूरन चंद वडाली केड़ी फील्ड नु रिलेट करदे ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए करदे ने म्यूजिक नु। ठीक है जी, म्यूजिक नु, संगीत नु। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन सी, देखो G20 दिया हर पेपर लिए G20 की एक्सरसाइजेस, सॉरी जो भी मीट्स हो रही ने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने तो अपने पंजाब के रिलेटेड ही पूछ ली, की पूछा सी उन्होंने, पूछा कि G20 की जिहड़ी एजुकेशनल मीट है, देखो वैसे पहला हुई चेन्नई के विच, हुण रिसेंटली कित्थे हुई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अमृतसर के विच हुई। अगर पंजाब के विच पूछा गया तो ऑप्शन ए लाउणा है टिक, बिल्कुल सही आंसर है, अमृतसर के विच हुई एजुकेशनल मीट। ए दा जी सब ने गा पा रखे है, ट्रिपल आर नु भी जदों आई भी सी, हुण पूछा गया कि ट्रिपल आर ने ऑस्कर के विच अवार्ड कित्थे जित्या, उहदा इक सॉन्ग है नाटो नाटो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ऑस्कर, ऑस्कर के विच केड़ा जित्या, इक तां इसने की है ईयर मूवी ऑफ द ईयर अवार्ड भी इसने मिलया ट्रिपल आर नु, ते ऑस्कर के विच इस दे इक सॉन्ग है नाटो नाटो उसने अवार्ड जीते है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दे। सो ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सी भाई, जेड़ा पढ़ के गया होएगा करंट अफेयर चंगी तरह, सो करंट अफेयर नु आपा किसी भी पेपर लिए इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन पूछे गए कि पद्मश्री अवार्ड ट्रेड एंड इंडस्ट्री 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, 106 ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, 91 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਜੁਜਨੂਵਾਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਹਾਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਆਫ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਮਾਹੀਲਪੁਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹੀਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਹੀਲਪੁਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 50,362 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਿਪਸ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
भाई की पढ़ेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है जी, दूसरा नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन द। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द मौर्यन एंपायर। कहते मौर्यन एंपायर किसके द्वारा फाउंड किया गया थी। इधर से भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, समुद्र गुप्ता तो चंद्रगुप्ता के द्वारा, ठीक है। तो आपके समुद्र गुप्ता बेटा आया सी, फाउंड किसने किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कुछ बच्चे को आता होगा, कुछ नहीं आता होगा कि सांची स्तूपा, बट इसमें अपन इंग्लिश मेथड ना बहुत इजीली कर सकते सी कि सांची स्तूपा ना तो जयपुर के विच है, ना ही जम्मू के विच है, ना ही चेन्नई के विच है। ऐसी गल बस सुनी नहीं, सिर्फ असि किथे सुनी है, भोपाल के विच सुनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नियर भोपाल मिलता है जी साडा सांची स्तूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन सी ए, तां जी तुसी कह दो मॉडर्न हिस्ट्री दे बस मेन मेन मुद्दे जे पूछे हुए सी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 10th ऑफ मे 1857 नू किथे स्टार्ट होया सी, मेरठ दे विच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किथे होया सी, मेरठ दे विच होया सी। जीके बहुत ज्यादा इजी सी। अगे आपा कुछ तो पंजाबी दे भी देख लेने आ। एप्पल ऑफ वन साइज की सी जी, एप्पल ऑफ वन साइज द आंसर होएगा। कोई किसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग के लिए यूज होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। एप्पल ऑफ वन साइज द आंसर की होएगा, वैल्यूएबल थिंग। अगे पूछा गया सी ऑपोजिट, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चंस नु ध्यान ना पढ़या करो कि ऑपोजिट पूछा होया कि सिमिलर वर्ड पूछा होया। ऑपोजिट पूछा सी डीप दा, ठीक है। डीप हुंदा है जी डूंगा, तो ये ऑपोजिट की होएगा ऊपर, ठीक है। तो उसका आंसर होएगा शैलो, ठीक है, शैलो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी वेकेंट द नियरेस्ट मीनिंग, मतलब सिमिलर। वेकेंट की होता है कोई सीट वेकेंट है पर रह नहीं दे, ठीक है। सो वेकेंट का सिमिलर वर्ड हो गया जी एम्प्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तो पता ही सी जी, उन्होंने पूछा होया जी कि किसे स्पेलिंग सही नहीं लिखे हुए। फर्नीचर अल्फाबेट डजन, देखो ऑफिस भी सही है, डजन भी सही है, फर्नीचर भी सही है। ऑप्शन की है अल्फाबेट रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा हुआ है सब्स्टिट्यूट करना सी किसे, बहुते शब्द दिखा एक शब्द अंग्रेजी दे विच। उन्होंने पूछा सी कि नेम लिस्ट ऑफ नेम ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स दी लिस्ट नु की कहा जांदा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस नु कैटलॉग कहा जांदा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, इधर कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, करेक्ट पूछा सी कैटल। देखो जितने जितने कैटल्स आ गए होता ऑप्शन पहला ही गलत हो गए। सानू पता है कि कैटल ओहो की है एक ही वचन है जेड़ा बहुवचन नु रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दीस कैटल आर माइन, कदे कैटल्स नहीं हुंदा, कैटल हुंदा, ठीक है। दीस कैटल आर माइन। नेक्स्ट है जी दैट ऑल दैट ग्लिटर्स, हुन कुछ बच्चे सोचते होणे जेवे ग्लिटर्स है आप कितने हैं भी, हुन असीं आंसर की लाइए, ठीक है। तो इहदा आंसर सी जी ऑप्शन बी दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते इफ शी विंस द मैच शी गेट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। कहते जे वो मैच जीत जाती है तो उन्हें बहुत सारी पैसा मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर की गल है, तो आंसर की आएगा डी, ठीक है, विल। विल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो दस इनकी क्वेश्चन है का चेंज वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस पूछा गया। कहते दे डिड नॉट लिसन टू मी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का देखो पिछो चक दे हुंदे ने आई वाज नॉट लिसन बाय देम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी राधा वाला नरेशन चेंज करनी है। राधा सेड आई एम गोइंग होम नाउ, राधा कहते मैं जाने करे, तो की आंसर है, तो ऑप्शन सी राधा सेड दैट शी वाज गोइंग होम देम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट तो बहुत इजी सी जी, जिन्हों रूल आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के विच की लगता है, हैज हैव प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगती हुई है। तो सीधा जो नोन दी नोन के नाल लगो हैव ते अबव दी थर्ड फॉर्म नोन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ब्रेक, कहते कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, ब्रेक दी स्पेलिंग आनी चाहिए सी बी आर ई ए की, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आ जाती है जी साड़ी पंजाबी, जो थोड़ी जी एज कंपेयर टू इंग्लिश थोड़ी जी टफ सी, ठीक है। सो एक ही फारसी जो सब तो ज्यादा टफ लगी है, कहते जब कोई मूर्ख या शराबी बंदा मौज विच आया जंगलिया मार मार के खुश होता होवे उहदे लिए खान वरती जाती है खोते की मौज टीकड़े। हुण इस सारे विच ही कन्फ्यूजन सी सबनों, तो बहुत सारे
नेक्स्ट क्या कहते हैं, बा अगेतर लागू के बढ़ने वाला सही शब्द सुनो, ठीक है, सॉरी बा, ठीक है, बा इज्जत, ठीक है, बा इज्जत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, डाड़ा क्षेत्र लागू के बढ़ने वाला, ठीक है, डाड़ा देखो बेहल, बेहल का अपना मीनिंग है पीछे लाके डाड़ा, तो बट गया बेहलड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते मुंडिया नु खेडना चाहिदा है विच बाग विच नाम सो, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन सी, ना ही कोई टफ साडा सेंटेंस सी, बस नाम सुने चुनना सी, नाम की है मुंडिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन सी, क्वेश्चन की सी कहते हवामा दा बहुवचन की हुंदा है, देखो सॉरी हवा दा, पहले बोल गई हवा दा बहुवचन की हुंदा है हवामा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कहते लड़का सारा पानी पी गया, पंजाबी भी बहुत इजी सी, ठीक है, एक तब्दील खान सी डेली टफ सी, क्वेश्चन की है कहते लड़का सारा पानी पी गया, लड़के का हो जाएगा लड़की, ठीक है, सारा पानी पी गई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिर्फ लड़की लड़के का लड़की आना सी, पर कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए, समानार्थक शब्द नहीं है, पहला तो उन्होंने ए ध्यान में पढ़ा करो हैगा कि नहीं हैगा, हुण इन्होंने पूछा समानार्थक शब्द नहीं है, तो की कहते डंडी शब्द का समानार्थक, देखो आप कहते हैं जा अपने डंडी पे, ठीक है, चल जा कच्चा रास्ता हो हैगा, टहनी भी अपन डंडी नु टहनी कह देने हैं, पूरे विश्राम भी अपन कहते हैं अगला डंडी लगती है, बट डंग इज नॉट अ समानार्थक शब्द ऑफ डंडी, डंडी का समानार्थक शब्द की है डंग नहीं है। हुण अगे देखो शुद्ध शुद्ध च डाल लेंदे ने, बट इजी सी टुकमा कीने पैंदा है, कड्डे नु अंकर तक्का गावे नु करना उत्ते बिंदी की हो जांदा है साडा टुकमा हो जांदा है। नेक्स्ट है कहंदे क्रिया दसनी सी, सेंटेंस भी बहुत इजी सी, वाक बहुत सौखा पूछा होया सी, दीपक सवेरे दिल्ली जावेगा, ठीक है, क्रिया की हो रही है, जावेगा इधर क्रिया हो रही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते उस्तत शब्द का विरोधार्थक शब्द केड़ा है, उस्तत हुंदा है जी प्रशंसा करनी, सिद्ध करनी, बड़ाई करनी, बट ऑपोजिट वर्ड की होएगा हैगा निंदा करनी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर होएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडा ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਫੋਕਲੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਬਟ ਫੋਕਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੋਰ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਾ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ, आज्ञा का पालन करना मतलब कि आज्ञाकारी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट है कि इन्हें हवाई किले उसारने, हवाई किले उसारन का की होता है, ठीक है, ये तो पढ़े थे बहुत इजी सी कि हवाई किले उसारन का अर्थ होता है फर्जी आसा बना लेना, ठीक है, हवाई किले उसारन का अर्थ होता है फर्जी आसा बना लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट है जी सारी पंजाब जी की आगी, वो भी बहुत इजी सी, पूछा गया सी कि रिसेंटली साडे जेडे गवर्नर ने कौन ने इशू भी चलते रहे ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बनवारी लाल पुरोहित, खबरों के विच भी बड़े रहे, अगर खबरों देखिए नहीं पढ़िया तो भी आंसर सी। अगर पूछे अगे पूछा गया कि पंजाब का स्टेट एनिमल केड़ा है, तो आंसर है जी ब्लैक बग, अगर पूछा जाए कदों डिसाइड किए गए स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड, तो 1989 आंसर आएगा। नेक्स्ट जी साडा मैथ एंड रीजनिंग आ जाते हैं, ठीक है, अगे चलते हैं आप जीएस में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट साडे क्वेश्चन, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगे होंगे अपने क्वेश्चंस, तो आप गल करेंगे, ओके कंप्यूटर, चलो अगे करते हैं आप जीएस में ही डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया सी कि साडे पंजाबी दे पहले पोएट कौन होए ने, केड़े केड़े सूफी संत होए ने, तो शेख फरीद जी होए ने जिन्हां नू शकरे गांजली कहा जांदा है, ए थोड़ा जिहा
जिन्होंने पढ़िया हुए हो भी आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन की सी कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल क्रॉनिकल्स मेंशंस पंजाब एज टेरिटरीज दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस ऑफ लाहौर एंड मुल्तान। कहते हैं हेठ लिखिया विच मुगल इतिहासिक रचनावां दे विचों किस विच पंजाबी दा उस खेत्र वजो जिक्र किया है जिसनों लाहौर ते मुल्तान प्रांतां विच वंडिया जा सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन सी, इन्हें अकबरी दे विच किया होया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत दे विच पंजाब नूं की कहा जाता है। बहुत ईजी है जी, पंचनंदा कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदा कहते हु वाज लास्ट सिख रूलर। कहते लास्ट सिख रूलर कौन रहे ने, तो सब नु पता है 1846 दी ट्रीटी वाले समय महाराजा दलीप सिंह जी रहे ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन सी के फोक एम्ब्रॉयडरी आर्ट ऑफ पंजाब केड़ा जी, साडा फुलकारी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दी रावी दा एंशिएंट नेम पूछा होया, जब भी आपा पंजाब जी के कहते हैं तो इन्हां नु इंपॉर्टेंट टॉपिक कहिंदे है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृष्णी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कहते 1948 दे विच जेडी सारे टैक्सो बनी सी ओदी बस फुल फॉर्म पूछी हुई सी, ते फुल फॉर्म भी बहुत इजी तरीके नाल उन्होंने मॉडिफाई करके लिखी सी। देखो कोई यूनियन नहीं सी, कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं सी, ना ही कोई अगली पंजाब सी, ठीक है, ते ना ही कोई पठानकोट सी। तो ऑप्शन डी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इज द राइट आंसर। ता बहुत इजी क्वेश्चन सी। नेक्स्ट वाला कि पंजाब दे विच किन्नियां डिस्ट्रिक्ट्स ने, ता सॉरी किन्नियां स्टेट्स ने, पक्की डिस्ट्रिक्ट पूछया सी जी, ठीक है। पंजाब स्टेट दे विच 23 इज द राइट आंसर। पहला 22 सी मलेरकोटले दे नाल, 23 बन चुकी है, ठीक है। ता पंजाबी मिला था पटवारी वाले का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते द अनड्यूलेटिंग प्लेन्स एंड कंडी एरिया ऑफ पंजाब आर होम ऑफ दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। इन दिस स्टेटमेंट ऑफ वेजिटेशन मेंशन इज, ठीक है, किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है। वैसे तो देखो ड्राई दे शर्ब्स दोनों ही आ जाते हैं, बट आंसर की होएगा सब ट्रॉपिकल शर्ब हिल वेजिटेशन, क्योंकि ट्रॉपिकल तो नहीं पाई जाती। सही से अकॉर्डिंग सब ट्रॉपिकल शर्ब हिल वेजिटेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते मंजी सिस्टम केड़े गुरु साहिबान ने चलाया सी। तो ऑप्शन बी गुरु अमरदास जी के द्वारा चलाया गया सी मंजी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते 1550 दे विच, ठीक है, गुरु अर्जन देव जी ने केड़े शहर दी फाउंडेशन स्टोन रखा सी। हुण कई बच्चे ने अमृतसर ला दो होना जल्दी-जल्दी दे विच, तो ए तो रखा सी गुरु रामदास जी ने। आंसर की होएगा तरनतारन साहिब। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है कि लाहौर दी ट्रीटी कदों साइन हुई है। तो सारे बहुत बच्चे जेडे भूल गए, तो इस बार दा आंसर है जी 9th of March 1846। अगर आप पंजाब दे जीके या फिर ओवरऑल जीके की गल करिए तो लेवल ठीक सी, ठीक है जी। सो फिर भी अपन कट ऑफ की गल करिए तो कट ऑफ अपनी 82 to 85 जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी दी रह सकती है, ठीक है जी। होपफुली समझ आ गई होगी, ठीक है, कि आप की गलतियां करके आने पेपर के। समटाइम असं अपने वालों पूरे एफर्ट्स करके वधिया तरीके करके आने, बट कितने ना कितने सारी कमी रह जाती है। सो उसमें फिनिशिंग करते चलो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लैक्चर।